पहुंची पटाया, मैं बैंकॉक से पटाया कैसे पहुंची मैं वो आपको बताऊंगी। और अभी सबसे पहले मुझे अपना रूम सर्च करना है जो मैंने अभी तक बुक नहीं किया है। तो मैंने पटाया का ये स्ट्रीट है वो सामने बीच है, यहाँ पर हमारी जो मैंने कैब की थी उसने मुझे उतारा है। मैंने कैब लिया है बैंकॉक से, क्या, और मैं बैंकॉक स्टेशन पर पहुँच कर, बस स्टैंड पर पहुँच कर, वहाँ पर दो ऑप्शन थे, या तो आप कैब ले लीजिए या फिर आप बस ले लीजिए। तो मैंने कैब लिया, कैब ने 100 किलोमीटर जो कवर किए थे वो 3 घंटे में कवर किए थे। लेकिन जिससे लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था उस टाइम पर मैंने बस से ट्रैवल किया था, तब मुझे 2 घंटे में बस ने पहुंचा दिया था क्योंकि 100 किलोमीटर। ये रोड सिर्फ सीधा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मुझे बाइक सी दिखाई दे रही है रेंट पे बाइक लेने के लिए। अभी तक मुझे रूम्स का कुछ भी ऑप्शन दिखाई नहीं दिया है। चल रही हूँ, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज सुबह से निकली हुई थी और बहुत भूख लग रही है। आते हुए मैंने कुछ सैंडविच वगैरह लिए थे, यहाँ के सैंडविच मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और बस अब देखती हूँ मुझे रूम कैसे मिल जाए। सुबह खाली है, ऐसा कुछ नहीं है, दिख रही है थोड़ी हलचल, लोग दिख रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ पार्टी टाइप है। अभी वो भी मैंने सुना है कि शायद रात को होता है, देखते हैं स्ट्रीट को इस टाइम खाली है, रात को कैसी रहती है स्ट्रीट। तो ये है पटाया की 106 स्ट्रीट, जहाँ पे मुझे बताया था कैब में किसी ने कि यहाँ पर आपको रूम मिल सकते हैं, मतलब बिकॉज मैंने रूम नहीं बुक किया तो मैंने बताया था कैब में काफ़ी सारे लोगों को, बिकॉज उन लोगों के पास तो रूम ऑलरेडी बुक था। तो यहाँ पर मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स भी हैं और कुछ होटल्स दिख रहे हैं। अभी बजे हैं 12 भी ओपन हो रखे हैं, यहाँ पे बार्स भी ओपन है। अभी वो लेडी तो यहाँ पे बैठ कर मेकअप कर रही है। सही है, वैसे यहाँ पे ना मतलब मजेदार रहता है, अच्छा टाइम पास हो जाता है। ओह माय गॉड, ब्यूटी यहाँ पे अपना अलग चल रहा है लोगों का। सुबह सुबह पटाया लोग पार्टी के लिए आते हैं। फाइनली मुझे रूम मिल चुका है, मैं चेकिंग करती हूँ, उसके बाद कुछ खाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम के लिए बाहर जाती हूँ। मिलते हैं शाम को और देखते हैं, जाऊंगी वॉकिंग स्ट्रीट ऑब्वियसली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने रेस्ट किया और खाना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ वॉकिंग स्ट्रीट। बहुत ही हलचल है स्ट्रीट के अंदर, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स भी दिख रहे हैं मेरे को। यदि कोई आपको दिखे तो आप पहचान के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसको देखा आप लोगों ने।
नंबर वन है और यहाँ की जो नियॉन लाइट्स है ना वो टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट करती है कि यहाँ पर आओ और यहाँ का वाइब्स को एंजॉय करो। यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी है करोगे। और वैसे भी यहाँ पे पटाया शिप में और भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप लोग इंडियन म्यूजिक सुन सकते हो, लेकिन जन्नत में एक चीज़ है, आपको यदि अंदर आना है और परफॉर्मेंस देखनी है तो आप लोगों को आगे खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को टेबल बुक करना पड़ेगा और टेबल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो चार्ज लेते हैं उसके। आप अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हो, ड्रिंक्स लेकर आप पीछे की साइड पे कहीं पर खड़े होकर देख सकते हो, लेकिन इनका कुछ एक सिलेक्टेड एरिया होता है, VIP एरिया और कुछ टेबल का एरिया जहाँ पे आप बुकिंग करके बैठते हो। हाँ, मुझे ऑफर मिला था, मैं ऊपर जाके डांस भी किया लेकिन मैं उसकी वीडियो क्लिक नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मज़ेदार था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ का। तो आप लोग भी ट्राई करो, यहाँ पे आके देखो और फुल ऑन एंजॉय करो। इसके बाद हम चलते हैं बाहर, बाहर एक अलग वाइब है, मस्त लाइव म्यूजिक है, स्ट्रीट परफॉर्मेंस है, क्लब्स हैं यहाँ पे। ये वही स्ट्रीट है जो सुबह एकदम शांति और इस टाइम देखो मज़ेदार लग रही है। वैसे पटाया की नाइट लाइफ बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। आपको वही ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आपको खाने को भी ईजिली मिलेगा, बहुत जगह जगह में यहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे शॉप्स भी ओपन है और बार्स भी ओपन है। तो यहाँ पर पटाया स्ट्रीट और यहाँ पर हम आ गए हैं 501-507 वाली स्ट्रीट और मैं अभी स्टे कर रही हूँ 506 वाली स्ट्रीट में और ये पटाया की 507 स्ट्रीट है। तो यहाँ से वॉक करके भी जा सकते हो, अदरवाइज लोग लेकर आप डायरेक्टली अपने होटल पहुँच सकते हो। रात भर चलते हैं यहाँ पे, जब तक यहाँ पर वाइब है, पार्टी चल रही है, तब तक आपको ईजिली टिकट भी मिल जाएंगे।
पटाया 2 दिन के लिए, जिसमें से 1 दिन तो मैं कवर कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था पटाया नाइट लाइफ। मैंने बहुत इन्जॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं पटाया पार्टी करने के लिए, और पटाया की जो कल रात को हमने पार्टी देखी है वो बहुत ही मज़ेदार थी। अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ से मैंने लिया अपने होटल सॉय सिक्स से पटाया पॉइंट पहुँचने के लिए ये टुकटुक। इस टुकटुक ने मुझसे लिए है वहाँ पर पहुँचने के लिए 10 बार, और वो मुझे वहाँ पर उतार देगा। वहाँ से काफ़ी सारी बोट्स जाएंगी, जिसके अंदर मैं बैठ के पटाया बीच जाऊँगी। जैसे पटाया पॉइंट पहुँच कर मैं जेटी के लिए जाऊँगी, वहाँ से मैं आई थिंक शाम तक ही वापस आ पाऊँगी। तो वापसी में आते हुए मैं देखूँगी कि मुझे टुकटुक लेना है या स्कूटी लेनी है, बिकॉज मेरे वाले एरिया से भी मेरे होटल तक भी स्कूटी मिल जाती है। मेरा प्लान ये है कि यहाँ पर मैं स्कूटी भी हायर कर लूँ, जिससे कि लोकल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर लूँ।
आपको इजीली यहाँ पर मिल जाती है रेंट पर। और कल पटाया से निकलने का मेरा प्लान है पोचांग जाने के लिए, जो कि मेरे होटल वाले ने ही बोल दिया है, वो आपको टिकट बुक करा देगा और वो मुझे मॉर्निंग 8 o'clock पिकअप करने आएगा।